Neroi Gallery Art Spot present solo exhibition of paintings by talented artist Vijay Gile at D.D. Neroi Gallery Art Spot, 534 Sandhurst Bridge, Bombay Mutual Terrace, LIC Building, 2nd floor, above Kanto, Girgaon Chowpatty, Mumbai. From 16 to the 30th of June 2022. Curated by Gyatri Desai. मेरा नाम प्रदीप चंद्रा है और फोटोग्राफी और आर्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और किताबें मैंने बहुत सी लिखी हैं। रिसेंटली मैंने जावेद अख्तर का 70th बर्थडे सेलिब्रेट किया था नेहरू सेंटर में आर्ट उनके आर्ट और फोटोग्राफी के ऊपर। उसके पहले मैंने बच्चन जी का 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया था सेंट रेगिस में। बच्चन जी खुद आए थे और उन्होंने बहुत काम लाइक किया और मैंने 10-12 किताबें लिखी हैं। मैंने जो भी लिखा है किताबें मोस्टली पर्सनैलिटी पे लिखा है। अमिताभ बच्चन पे 3 किताबें लिखी है, ए बी द लेजेंड फोटोग्राफर्स ट्रिब्यूट, अमिताभ बच्चन कैलाइडोस्कोप, और तीसरी किताब आ रही है अभी। और मैंने उनके बेटे पे भी एक किताब लिखी है, अभिषेक बच्चन स्टाइल एंड सब्सटेंस। आर्ट में मेरा बहुत बचपन से यही संबंध रहा है आर्ट का। और मैंने 2 किताबें लिखी है, मकबूल फिदा हुसैन एम एफ हुसैन ए पिक्टोरियल ट्रिब्यूट जो 4,500 की है, और हिंदी में लिखी है जो 800 रुपये की है। और ज़्यादा करके आर्टिस्टों से सूजा साहब, हुसैन रजा साहब, अकबर से लेके और सुभाष औचत और जो नए युग में भी लोग हैं, मेरा पर्सनली उनसे संबंध रहा है। सब मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, परिचित रहे हैं। हुसैन साहब के बारे में, इन लोगों के बारे में ये तो नहीं कह सकता कि वो दोस्त रहे हैं रजा साहब वगैरह के बारे में, बट मैं सबको जानता था। और अभी भी जो आज के आर्टिस्ट हैं मैं सभी को पर्सनली काफ़ी जानता हूँ और आर्ट पे लिखता भी रहा हूँ। तो इनका काम तो मैंने देखा नहीं था, सच कहूँ तो पहली बार ही देख रहा हूँ। और अच्छा इंटरेस्टिंग काम है। और विजय जी का और मैं पहली बार देख रहा हूँ, जैसा मैंने बताया गायत्री ने कहा तो मैं आया इनका काम देखने के लिए। बहुत बढ़िया काम है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। नए लोगों को काम चलना चाहिए और सबसे ज़रूरी है काम बिकना चाहिए। एग्जीबिशन तो ठीक है मगर आर्टिस्टों को हम सबकी तरह ही फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। और जितना काम बिकेगा आर्टिस्ट उतना मेहनत से काम कर पाएगा, उतना ज़्यादा कर पाएगा। और आजकल गैलरीज में क्या होता है कि अभी जैसे आया था जहांगीर में एक शो था 3 लोगों का, वो बाहर से आए थे, आए अपना उन्होंने 40-50 काम लगाया और उनका 2 काम बिका। आप सोचिए कि आर्टिस्ट अपना पैसा लगा के 40 काम करके दूसरे शहर से आता है, एग्जिबिट करता है और ना बिके तो कितना डिस्करेजिंग है आर्टिस्ट के लिए। तो मैं तो आर्टिस्टों के लिए यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को कि उनका काम खरीदे और सराहे उनको, और इनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वेल सेड। इनफैक्ट प्रदीप जी, व्हाट ही हैज जस्ट स्पोकन अबाउट इज सो सो वेरी ट्रू दैट आर्टिस्ट आर वर्किंग सो हार्ड एंड दे आर पुटिंग देयर एंटायर हार्ट सोल एनर्जी एवरीथिंग एंड वर्किंग विद सो मच ऑफ perseverance, patience, consistency, and when they do an exhibition, and of course selling is a very important part of art also. So when works are sold, of course there's a lot of excitement and encouragement, and it's also a source of livelihood for the artists. So selling, as Pradeep ji said, is very important. And also for the gallery. For the gallery also. So I think the gallery and the artists, they work hand in hand together. So I think it's the support system, and each one needs the other. One is not, the gallery is not complete without the artist, and nor is the artist complete without the gallery. So we here at D.D. Neroi Gallery Art Spot, it is our endeavor to take artists forward, to reach their works out to a large audience, where the works can be seen, appreciated, and most importantly also bought. I think that is the bottom line, that art needs to be sold. And I think all private galleries should look at upcoming artists also, give them the support, take them forward, because those upcoming artists are actually, you know, the, you would say, lambi race ka ghoda.
सो वो जो लंबी रेस का घोड़ा जो है, द गैलरीज हैव टू आइडेंटिफाई दोज लंबी रेस का घोड़ा, नर्चर देम, सपोर्ट देम एंड टेक द वर्क्स फॉरवर्ड. सो दिस इज वॉट वी हियर एट डी टी नरॉय गैलरी आर्ट स्पॉट आर डूइंग. And I think it's the support of the artists also, which is very important. And they need to be reinforced all the time. So that is what we are doing here. And it's been so nice of Pradeep ji to come here. He has, you know, taken out time to come here. So again, thank you very much for being here with us. And everybody who's looking at this clip, please come for the show and please, you know, look at the works of Vijay Gale. He's doing wonderful work. His works are soft, they're spiritual, they're pleasing, they're meditative. So I think all of you all, please come to the D.D. Nerroy Gallery. The show is on from the 16th to the 30th of June. ये एक्चुअली आर्टिस्ट का विचार होता है, विचारधारा होती है, उनका एक इंस्पिरेशन होता है जो अंदर से आता है एंड वो इंस्पिरेशन लेके ही आर्टिस्ट आगे बढ़ता है. जैसे विजय गिले जी है, आप उनके साथ बात कीजिए तो वो आपको ये सारे प्रश्न जो है वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको इस प्रश्न के उत्तर देंगे. विजय प्लीज कम एंड प्लीज. मैच मतलब राधा कृष्ण का जब भी सब्जेक्ट निकलता है तो कृष्ण के साथ वो गाय और उसके वो आते हैं बच्चे उसके, और उसमें वो पीसफुल होता है एटमॉस्फेयर. तो कृष्ण जैसे बांसुरी बजाता है तो पूरा एटमॉस्फेयर वो चेंज हो जाता है. तो उसके साथ में ये गाय वगैरह पीसफुल है, इसके लिए मैंने उनको कंपोजिशन में ये किया. गाय मतलब पीसफुल है, मतलब वो कभी उसमें बहुत पॉजिटिविटी है. गाय मतलब क्या है, पॉजिटिविटी. जैसे मदर्स और चाइल्ड का वो होता है, जैसे वो गाय में होता है, तो इसके लिए मैंने गाय को चुना है. जी okay. आपने जो इधर ये साइड में एक पेंटिंग बनाया है बच्चे का, धोती के ऊपर में है और जी जी इसके बारे में कुछ बताइए. वो ब्राह्मीन है. ब्राह्मीन मतलब व्हाट इज द ब्राह्मीन, ब्राह्मीन चीज क्या है. तो मैंने उनको तीन पार्ट में कन्वर्ट किया है, जिसका वो फेस है एक पार्ट में है, सेकंड है अर्थ और तीसरा है पानी. तो तीन इसमें उसको मैंने कन्वर्ट किया है. तो ब्राह्मीन मतलब क्या है, तो वो कंपोजिशन में लिखा है मैंने, ब्राह्मीन बॉय मतलब. नहीं, मैंने मुंबई में 22 सालों से वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारी जगह एग्जीबिशन किए हैं और बाहर भी जा चुके हैं पेंटिंग्स, और जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरे 5 एग्जीबिशन हुए हैं और बहुत सारी मुंबई में गैलरी वहाँ एग्जीबिशन हुई है, और अभी ये गैलरी में भी कर रहा हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे. आर्टिस्टों का क्या होता है कि पेंटिंग में से वो होता है कि हर कोई सब्जेक्ट में डीपली उसका थॉट्स निकले, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें डीपली अगर कुछ पीसफुल निकलता है तो उनको वो कनेक्ट करना चाहिए. और ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पेंटिंग्स में डीपली थॉट्स निकले, ऑब्जर्वेशंस है, जैसे मीडियम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर अच्छी है तो आर्ट बार को बिल्कुल खरीदनी चाहिए. विजय गिल्लेंचं पेंटिंग राधाकृष्ण सीरीज त्यांचे खूप फेमस आहेत, माहीत होतं. पण जे त्यांच्या चित्राचे कृष्णाचे भाव आहेत, राधाचे, त्यांची बासरी पकडण्याची एक हे होतं, म्हणजे जे कृष्णाविषयी आपण जे म्हणतो की खूप सारं आपल्याला डोक्यापुढे येतं की गायी आहेत, वासरं आहेत, म्हणजे त्यांनी गुराख्याचं काम केलेलं, म्हणजे कृष्ण जेवढ्या ह्यूज गोष्टीबद्दल होतं तेवढं एका चित्रात पाहिलं तर ते सर्व एक सार एका चित्रातून पाहायला मिळते. म्हणजे त्यांची डोळी जरी अर्धनमिलित आहेत बासरी वाजवत, ते एक रिदम जो आहे तो जाणवतो चित्रामध्ये. तर खूप छान प्रकारे चित्र त्यांनी साकारले.
आणि हे एक्झिबिशन 16 जून ते 30 जूनपर्यंत DD रॉयल गॅलरीमध्ये अवेलेबल आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी पहा, खूप सुंदर चित्र आहेत, एकापेक्षा एक सरस आहे, तर तुम्ही जरूर बघा. चल.